अब चलते हैं सोलन जिला की ओर, जहां आज से प्रदेश की पहली पुष्प मंडी ने काम करना आरंभ कर दिया है। सोलन जिला के परवाणु में प्रदेश की पहली पुष्प मंडी ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज परवाणु में इस मंडी का लोकार्पण किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस पुष्प मंडी के खुल जाने से अब प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को अपने फूल बेचने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इससे पुष्प उत्पादकों को भाड़े में काफी बचत होगी और किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी। पुष्प मंडी ना होने के कारण वो हमेशा दिल्ली में जो आढ़तीय होते थे उनकी ही मर्सी के ऊपर जो था वो उनका कारोबार जो था वो रहता था। यहाँ पर जो मंडी बनने वाली है जिसके ऊपर 22 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होगा और जिसमें सीए स्टोर्स की भी व्यवस्था की जाएगी और ज़्यादा जो है वो 100 के करीब और दुकानें यहाँ पर बनेंगी। लेकिन ये एक फर्स्ट फेज़ में ये जो 10 दुकानें बनाई हैं तो हमने ये पुष्प मंडी के लिए समर्पित की हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसानों की आय को दुगना करने की तरफ हिमाचल प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इस पुष्प मंडी का निर्माण 22 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा और इसमें 100 से अधिक दुकानें बनेंगी। इस मौके पर एक पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे।